हेलो, मैं जसबीर अपने चैनल पे आप सब बहनों का स्वागत करती हूँ। आज हम आपको जे वाला जेंट्स बूट बनाना बताएंगे। ये जेंट्स के लिए है। जे हमने ऊपर से स्टार्ट करके फिर इधर नीचे को बनाया है और इसको हमने टू कलर में बनाया है। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, अगर वो फर्स्ट बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो मेरे व्यूअर्स ने मुझे फरमाइश की थी कि मैम प्लीज़ आप ना हमें जेंट्स का बूट बनाना बताएं। लेडीज़ के सॉक्स बूट्स तो बता ही रहे हैं। निटिंग बनाने वाले जो भी मेरी बहनें बनाती हैं बहुत अच्छा बनाती हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन आपको दिखाती है बना के। हर एक की कोशिश होती है कि हम अच्छे से अच्छा कुछ बनाए ताकि हमारे व्यूअर्स हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इसके लिए हमने ये 9 नंबर का बनाया है बूट। 9 नंबर का बूट है और बनाना बहुत आसान है। तो आप अपने बड़ों के लिए, अपने पापा के लिए, अपने फादर इन लॉ के लिए, अपने भाइयों के लिए, तो उनके लिए आप ये गर्म बूट बना सकती हैं। अपने दादाजी के लिए तो आप ऐसे बूट बनाना, क्योंकि आपके घर में कई बार 2 कलर की ऊन बच जाती है, उससे इसको बनाया जा सकता है। ऊन कोई ज़्यादा नहीं लगती, 100 ग्राम के हिसाब से 100 ग्राम में बन जाते हैं दोनों बूट। तो ये देखिए, ये हमने ना जहाँ से स्टार्ट किया है ऊपर से स्टार्ट करके हम फिर नीचे को इतना बॉर्डर बुना है। हमने एक सीधा एक उल्टा बुना है। इतना बॉर्डर बुनने के बाद हमने जे बीच वाला पोर्शन बुना है। हमने डिवाइड कर लिए थे फंदे, फिर बीच वाला पोर्शन बुना। बीच वाला पोर्शन जितने हमारे पैर की लंबाई है उतना हमने बुना है। हमने जितनी आपके घर में आपके दादाजी की, बड़ों की पैर की लंबाई है उतना आप बुन सकते हैं। तो मेरी एक आंटी है, उन्होंने हमें फरमाइश की थी, व्यूअर्स हैं मेरे वैसे वो, तो वो कह रहे थे कि आप दादाजी के लिए हमें बनाना बताइए। वो कहते हैं कि मैं रोज़ देखता हूँ लेकिन बड़ों के लिए तो कोई भी नहीं बता रहा, तो प्लीज़ आप हमें ना बना के ये दिखाएं ताकि हम भी ऐसा बना सकें। तो ये उनके लिए है। उनके पैर का नाप 9 इंच है, तो हमने इसको देखिए 9 इंच बनाया है। ये 9 इंच है, 9 इंच पैर का हमने बूट बनाया है। ऊपर से जो लेंथ रखी है हमने वो 6 इंच है। 6 इंच का, 6 इंच तक का बॉर्डर बनाया है। आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, आप इसको ऐसे सीधा भी पहन सकते हैं, सीधा ही ऐसे पहन सकते हैं, ऐसे बूट को सीधा पूरी ये लेग आपकी कवर हो जाएगी और ऐसे आप इसको पहन सकते हैं। और जो ये लेग है इसको आप अगर फोल्ड करना चाहें, जैसे आज का रेडीमेड फोल्ड होता है, तो इसको फोल्ड भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमने बनाया है और बहुत खुला है, ऐसे नहीं कि पैर में नहीं आएगा। तो आगे जो लेंथ है वो भी हमने देखिए 6.5 इंच रखी है, 6.5 इंच, क्योंकि ये भी पोर्शन भी बीच में आता है। जो पैर की चौड़ाई है ये देखिए 4.5 इंच पैर पैर की चौड़ाई बनती है जब बन जाती है। तो हम आपको ये लाइनें बताएंगे कितनी बनाई है, ये लाइनें कितनी बनाई है और कैसे बंद किया है वो भी आपको दिखाएंगे। ऐसे हमने लाइनों को बराबर रखते हुए ही बंद किया है। तो इस बूट को हम आपको बताने जा रहे हैं। इसी में हमने एक और बूट जो 10 नंबर वाले हैं उनके लिए बनाया है। ये बूट सेम बनाया है, ये 9 नंबर है, ये 10 नंबर है। 10 नंबर का बूट हमने 10 इंच का बनाया है। ये देखिए 10 इंच का है और ये 7 इंच के आ जाता है और जे लंबाई हमने उतनी ही बनाई है जितनी उसकी बनाई है 6 इंच, क्योंकि इसको भी हमने फोल्ड करना है। इसके हमने 60 फंदे लिए हैं, 60
60 फंदे लेकर हमने स्टार्ट किया है और फिर इसको बनाया है। ये देखिए ये दोनों बूट हैं, ये 9 नंबर है, ये 10 नंबर है, ये 10 नंबर का ये बेस 10 नंबर वाला है, ये देखिए, और इसका 9 नंबर का है, थोड़ा सा उससे छोटा है। ठीक है, ऐसे ही आपने बड़ों के लिए, क्योंकि जेंट्स के 10 नंबर का पैर भी होता है और 9 का, 9 और 10 होता ही है, तो उस हिसाब से आपने इसको बनाना है। इसके फंदे भी हम बता देंगे, बड़े 10 नंबर के भी और 9 नंबर के फंदे कितने रखने हैं। बस फंदे ऊपर से ही जो है वही रखने हैं, उसी हिसाब से हमने बनाना है। तो हम आपको बता देते हैं कि कितने फंदे रखने हैं। जो तो है 10 नंबर का बूट, ये वाला 10 नंबर का बूट, बूट ये बनेगा 60 फंदे होंगे इसके, 60 स्टिचेस रखेंगे, और इसकी जो लेंथ हम 6.5 रखेंगे, इसकी लेंथ रखेंगे ऊपर से 6.5, उसकी भी 6.5 ही आएगी। आगे हम जब डिवाइड करेंगे 60 फंदों को, तो हम जो ये बीच वाला पोर्शन है, बीच वाला पोर्शन, इसके हम 60 फंदे रखेंगे, ये हम 17 फंदे छोड़ देंगे, इधर भी 17 फंदे छोड़ देंगे, तो हम कितने रखेंगे, 17 फंदे एक साइड, 17 फंदे एक साइड, और बीच में जो हम पोर्शन बुनेंगे 10 नंबर वालों का, वो हम 26 फंदे रखेंगे, इनको बुनेंगे, तो ये टोटल हमारे 60 फंदे हो जाएंगे, टोटल हो गए 60 फंदे। और नीचे फिर अपने आप ही बूट की जो लेंथ है ना, वो बढ़ जाएगी, जब ये फंदे हम उठाएंगे, जे भी बुनेंगे, जे भी उठाएंगे, हम जे फंदे भी उठाएंगे मैरून कलर से, जे भी उठाएंगे, इधर से भी उठाएंगे, तो जब हम फंदे उठाएंगे तो उस हिसाब से हमारे फंदे बढ़ जाएंगे और 10 नंबर का जूता बन जाएगा। आगे हम 9 नंबर का जूता बनाएंगे, तो 9 नंबर के जूते के लिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो 9 नंबर का है, जो वो जे वाला है, थोड़ा सा फ़र्क है, ये 1 नंबर का ही फ़र्क है। 10 नंबर जो बूट हम बनाएंगे जेंट्स के लिए, तो हम इसके लिए 52 फंदे रखेंगे, 52 फंदे रखें, 52 फंदों को इतने रखेंगे, 52 फंदों को जब हम डिवाइड करेंगे 6.5 इंच बॉर्डर बुन के, 6.5 इंच बॉर्डर बुनेंगे, तो जब इनको डिवाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम रखेंगे 15 छोड़ेंगे एक तरफ, फिर 15 एक तरफ, और बीच में हम 22 फंदे रखेंगे, 22 बीच वाले, तो ये बनेंगे 15 15 30, 30 और 22, 52 स्टिचेस रह जाएंगे, ऐसे हमने डिवाइड करना है। आगे जब जो हम बढ़ाएंगे करेंगे वो आपको साथ साथ बताते जाएंगे, तो हम पहले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आप कहोगे कि पहले ही सारा कुछ बताने लग गया लिख कर, तो बनाया तो है नहीं, तो ये 10 नंबर का है, इसको हम रख देते हैं, इसका मेज़रमेंट आपको बता दिया है, जब 9 नंबर का आप बनाना सीखेंगे उसी में आप 10 नंबर का भी बनाना सीख जाएंगे। तो इसको पहले हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट हमने ऊपर से ही करना है, जहाँ से जब स्टार्ट करेंगे तभी ये बन पाएगा। ये देखिए, ये हम इतना ये लेंगे वूलन, जिससे हमारे 52 फंदे डाल जाए। फंदे हमने सिंपल डालने हैं, सिंपल फंदे का मतलब है एक ही पीस लेना है इधर, एक पीस इधर। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने अपनी वीडियो में फंदे डालना सिखा रखा है, ऐसे सीधा ऐसे डाल लेंगे फंदा, ऐसे ऊपर से निकाल लेंगे और सीधा फंदा डाल लेंगे, फिर हम उंगली पे लेंगे, ऐसे रखेंगे, इसको ऊपर से निकाल लेंगे थ्रेड को और फंदा डाल लेंगे। तो ऐसे हमने 52 फंदे बनाकर
इसका बॉर्डर बुनना है वो हम आपको बता देते हैं कि कैसे बुनना है, क्योंकि वीडियो ऐसे ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर पूरे बनाएंगे तो। ये देखिए हम 52 फंदे डालकर इसका बॉर्डर कैसे बुनेंगे वो सिर्फ जस्ट हम बता रहे हैं। वैसे आपने 52 फंदे डालने हैं, हम जस्ट बता रहे हैं कि आपने बॉर्डर कैसे बुनना है इसका। दो दो ही सिलाइयाँ बनानी है मैरून कलर से, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, ऐसे पूरी सिलाई बनानी है। ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड पे हमने उल्टे पे उल्टा सीधे पे सीधा जैसे बॉर्डर बनाते हैं, सीधा उल्टा और सीधा, ऐसे ही पूरी सिलाई बनानी है। हमने दो सिलाइयाँ बना ली है सीधा और उल्टा, सिर्फ दो ही सिलाइयाँ बनानी है। दो सिलाइयाँ बनाने के बाद आपने दूसरा कलर लगाना है, तो दूसरा कलर हम ऐड कर लेंगे इसमें। तो इसी से हमने बॉर्डर बुनना है, सीधा उल्टा सीधा, जैसा बॉर्डर दिख रहा है वैसे ही हमने बनाते जाना है ऐसे इसी के ऊपर। ये बेस हमारा स्टार्ट हो जाता है ना मैरून से, तो आगे हमने ये पोर्शन ऐसे बुनना है। दो सिलाइयाँ बनाने के बाद सिर्फ दो बनानी है, उसके बाद आपने कलर लगा के एक सीधा और एक उल्टे का बॉर्डर बुनना है, जिसको हम सिलाई करेंगे अच्छे से तो ऐसे फोल्ड हो जाएगा। तो ऐसे ही आपने बॉर्डर बनाना है, उल्टी सिलाई भी उल्टे पे उल्टे सीधी पे सीधे। थोड़ा सा बनाकर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ऐसे आपने बॉर्डर बनाना है। 52 फंदे रख कर मैरून की 2 सिलाइयाँ बनाकर फिर आपने ऊपर बॉर्डर बनाना है। तो हम आपको 52 फंदे डाल के ऊपर बॉर्डर बना के फिर दिखाएंगे और 9 नंबर का जूता बनाएंगे, बूट बनाएंगे जेंट्स के लिए। तो हम 52 फंदे डालकर ऊपर बॉर्डर बनाकर आपको दिखाते हैं। ये हमने इसलिए स्टार्टिंग से बताया है क्योंकि जब हम सीधा ही बनाकर अगर दिखा देंगे इतना, तो फिर हमारे व्यूअर्स हमें क्वेश्चन करते हैं कि आपने मैम स्टार्टिंग से नहीं बताया, क्योंकि हर एक को होता है कि स्टार्टिंग से कैसे बनता है, तो इसलिए स्टार्ट किया है। अब हम 52 फंदों वाला आपको दिखाएं। ये देखिए हमने 52 फंदे डाले थे और हमने ये बना लिया बॉर्डर और ऊपर एक कलर लगाया है और पूरा बॉर्डर बनकर रेडी है, सीधा उल्टा सीधा उल्टा। तो ऐसे आपने बनाना है, तो क्योंकि और इसको आपने 10 नंबर पे बनाना है, ये 10 नंबर है इस पे आपने बनाना है। हमने जो 10 नंबर का जूता बनाया है ना, वो हमने 9 नंबर पे बनाया है। तो ये देखिए ये थोड़ा खुला है ऐसे के, क्योंकि जो बड़े कईयों के बड़े पैर होते हैं थोड़े हैवी होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके पैर और टांग थोड़ी हैवी हो जाती है, तो ये उनके लिए हमने फिर 9 नंबर पे बनाया है। ये 9 नंबर का जूता है, 10 नंबर का जूता है और 9 नंबर पे बनाया है। ये 9 नंबर का जूता है और 10 नंबर पे इस पे बनाया है, तो थोड़ा सा टाइट बनाया है। 9 नंबर और 10 नंबर में थोड़ा सा फ़र्क होता है, इसीलिए हम आपको ये दिखा रहे हैं। और जे वाला जूता 10 नंबर का भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जे कितना बड़ा जूता है, बूट है, सॉक्स है, आप बूट भी कह सकते हैं सॉक्स भी कह सकते हैं। जे देखिए जे इतना बड़ा है, क्योंकि जब पैर में आता है तो बहुत अच्छे से आसानी से बुज़ुर्ग लोग इसको, ओल्ड लोग अडल्ट लोग पहन सकते हैं जो बुज़ुर्ग होते हैं, तो उनके लिए जे हमने 9 नंबर पे बनाया है, तो ऐसा जूता। और अब हम ये 9 नंबर का जूता बनाएंगे। ये देखिए ये 9 हमने पता क्या किया है, हमने इसकी लेंथ आपको बता देते हैं, वैसे हम आपको सिलाइयाँ भी बता देंगे। लेंथ इसकी 6 इंच है, 6 इंच हमने पूरा बॉर्डर बुना है, 6 इंच बॉर्डर बुनकर अब आपने क्या करना है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। हमने 15 फंदे इधर छोड़ने हैं,
15 फंदे इधर छोड़ने हैं, बीच में हमने 22 फंदे रखने हैं बीच में। तो हम क्या कैसे डिवाइड करेंगे, हम ए फंदे 15 फंदे उतार लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, 15 फंदे हमने उतार लिए। अब 15 फंदे हम इधर छोड़ेंगे और बीच वाले 22 फंदे हम उल्टे उल्टे बुनेंगे। तो हम जहाँ से थ्रेड को हटा देंगे, जहाँ से हम अब थ्रेड हमें नहीं चाहिए वाला कलर जहाँ पे, तो अब हम इसको जहाँ पे लगाएंगे, तो जहाँ पे बुनने के लिए हम इसको उल्टा बुनेंगे। एक फंदा उल्टा बुना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। 22 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 15 फंदे इधर छोड़े हैं, 15 फंदे इधर छोड़े हैं। हमने आपको बताया था 15 फंदे इधर छोड़े हैं, 15 इधर, बीच में 22 फंदे और 52 कुल फंदे होंगे। तो ऐसे आपने इसको डिवाइड करना है, आपने जे वाला पोर्शन बुनना है, जे वाला 22 फंदों का। जे हमने छोड़ दिए और जे भी छोड़ दिए, छोड़कर आप चाहे तो दूसरी सिलाई लगाइए, आप चाहे तो इसी सिलाई से बुनिए। तो हम क्या करेंगे, हर बार जब भी बुनना है सीधा फंदा उतारेंगे, इसको थ्रेड को इधर लाएंगे और उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो हमने पूरा 6 इंच तक, पूरा 6 इंच उल्टा उल्टा बुनना है। तो हम पूरी सिलाई बनाकर आपको दिखा देते हैं उल्टी। अब जब हम दोबारा इसको इधर को आएंगे तो भी सीधा फंदा, क्योंकि हम उल्टा बुन रहे हैं, लास्ट वाला भी हमारा उल्टा ही फंदा आएगा, उल्टा फंदा आया। अब हमने दूसरी साइड जाना है, 15 फंदे छोड़ देने हैं। आप चाहे तो दूसरी सिलाई भी लगा सकते हैं, इसको किसी पिन में डाल सकते हैं और दूसरी सिलाई लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक फंदा सीधा उतारना है, थ्रेड इधर करना है, फिर इसको बुनना है ऐसे। ऐसे उल्टा उल्टा ही बुनना शुरू करेंगे तो हमारी उल्टी सिलाइयाँ बननी शुरू हो जाएंगी। तो ये बीच वाला भाग हम बुनेंगे, ये बीच वाला जो भाग है ना, ये हम अलग से बुन लेंगे 6.5 इंच। तो ये बुनकर हम दिखाएंगे, लेकिन साथ में साइड में चेन चलेगी, ये चेन हम सीधा उतारेंगे तभी आएगी, जहाँ से हमने फिर बाद में फंदे उठाने हैं। तो हम इसको बुनकर आपको दिखाते हैं, पूरा बुनकर, ठीक है, पूरा बुनकर इतना 6.5। तो हम पूरा नहीं बुन सकते सामने, इसलिए इस पोर्शन को अलग से बुनेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ना ये बीच वाला पोर्शन बुन लिया है, ये साइडों के 15 15 फंदे हमने नहीं बुने हैं, ये बीच वाला हमने पोर्शन बुना है, ऐसे दिखेगा। ये आपको दिखाते हैं ऐसे, इतना बुनकर फिर आगे, ये हमारा 6 इंच है, ये हमारा 6 इंच हमने बुन लिया है, ये देखिए 6 इंच पोर्शन बुनकर हमने। तो उसके बाद हमने ये फंदे उठाने हैं ऐसे, ऐसे हमने सारे फंदे उठाने हैं, जहाँ से सिलाई में निकले हम डाल लेंगे अभी। तो इधर वाले फंदे उठाने हैं, इधर वाले उठाने हैं, ये तो हमारे एज इट है ही है, इनको हमने उठा लेना है फंदों को। तो ऐसे हमने इसको बुनना है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारी राइट साइड है,
ये राइट साइड है जहाँ से हमने थ्रेड को काटा था। अब इसी में ही हम डाल कर फंदे, सिलाई में फंदे डाल लेंगे और मैरून कलर स्टार्ट करेंगे। कैसे करना है वो आपको बताते हैं। ये देखिए, अब हम जहाँ पे मैरून कलर लगाएंगे तो मैरून कलर लगाएंगे इसके साथ, तो हम क्या करेंगे इसको बुनेंगे। मैरून कलर से इसके साथ अटैच करेंगे और मैरून कलर से ही सीधी सिलाई बनाएंगे ऐसे, पूरी सिलाई सीधी। अब हमने उल्टी उल्टी नहीं बनानी है, अब हमने पूरी सीधी सिलाई बनानी है। तो हम ये 15 फंदे पहले बुन लेंगे, जहाँ तक 15 जे हमने 15 फंदे बुन लिए, सिलाई हटा दी हमने। अब हम क्या करेंगे, जे वाले जो हमारी चेन बनी है इसमें से एक एक फंदा उठाएंगे ऐसे। आप साथ साथ भी बुन सकते हैं और वैसे आप ऐसे भी उठा सकते हैं ऐसे। अगर इधर से उठाने हैं तो फिर इधर से उठाइए ऐसे, एक एक फंदा चेन वाला उठाते जाइए और फिर आप बुन सकते हैं इनको। इनको आप उठाते हुए जहाँ तक ले आइए, लेकिन आपने इसमें 29 फंदे उठाने हैं। एक फंदा हम इसी में से उठाएंगे कि हमारा जहाँ गैप ना आए, तो हम जहीं में से एक फंदा उठा लेंगे ऐसे। तो चेन हम इसीलिए बनाते हैं, जो इधर वाली चेन है ये नहीं बनानी है आपने, इधर वाली ही चेन को आपने लेना है। ये देखिए, ये चेन का ये हर पीस लेना है। तो हमने 29 फंदे डालने हैं, ये हमने जो लाइनें डाली हैं ये 31 है, 31 लाइना उल्टी उल्टी बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 30 और 31। और इसका मुंह हमने इधर रखा है सिलाई का, तो फंदे हम इधर से ही बुनेंगे, लेकिन हम पहले 29 फंदे उठाएंगे। 15 हमारे फंदे हैं, ये देखिए इस चेन में डाला, इसको बुन लिया, फिर इस चेन में डाला, इसको बुन लिया, फिर इस चेन में डाला, इसको बुन लिया, ऐसे आपने 29 फंदे उठाने हैं ऐसे फर्स्ट वाली चेन को बुनते हुए। तो ऐसे दिखेगा और ऐसे फंदे उठते जाएंगे। तो 29 फंदे उठाकर हम आपको 15 जे है 29 आगे हम पूरे फंदे उठाकर आपको बताते हैं। ये लास्ट वाला है, हम 29 ठाने थे तो ये लास्ट वाला 29 है। एक फंदा हमने बीच में से वैसे उठाया है कि गैप नहीं आए, इसको हम जहाँ 2 का 1 कर देंगे आके, और बाकी 29 है। 15 ये है, 2 4 6 8 10 12 14 15 फंदे ये हैं। एक हमने उठाया था, बाकी हमारे 29 फंदे बनेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 26 28 और 29। अब हमारी सिलाई ये इधर को है, ये हमें उल्टा उल्टा दिख रहा है, ये हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि फिर जो हम सीधी सिलाई आगे बनाएंगे तो उसकी भी उल्टी आएगी, तो ये दोनों सिलाइयाँ आपस में मैच होएगी, वरना इसमें गैप आ जाता है। जो हमने दूसरा बूट बनाया है उसमें गैप आया है, वो हम आपको दिखा देंगे। इसमें हम उल्टी उल्टी लाइनें मिलाएंगे, इसलिए हमने इस सिलाई को ऐसे बुना है उल्टा। अब हम इन फंदों को सीधा कर लें, सिलाई सीधी कर लेंगे तो हम फंदे उतार कर इसको इस सिलाई से इधर को ले आएंगे।
ये थोड़ा सा क्लीन अप करने के लिए है, अच्छा करने के लिए है कि अच्छा रेडीमेड जैसा दिखे। अब हमने 29 फंदे उठाए हैं तो इसमें हम एक मार्क लगा देंगे कि हमें पता चले कि हमने इधर से इतने फंदे उठाए हैं। एक आप सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं और मार्क भी लगा सकते हैं। अब आगे हम इसके जितने फंदे हैं हमारे 22, वो हम फंदे बुन लेंगे सीधे, क्योंकि अब हमने सीधा सीधा ही बुनना है। तो हम जो ये हमारे 22 फंदे हैं, पूरे फंदे हम बुनेंगे। सिंपल। ये हमने 29 फंदे बुन लिए हैं। अब हमने ये वाले फंदे उठाने हैं, 29 इधर वाले, इधर से। तो हम एक फंदा जो हमारा गैप ना आए वो उठाना है जी, जहाँ से उठा लिया गैप नहीं आएगा। अब हमने इस चेन में इस साइड वाले फंदे उठाने हैं, क्योंकि हम इधर से बुन के आएंगे तो हम फर्स्ट वाली जो चेन है उसी को बुनेंगे, सेकंड वाली लास्ट वाली चेन को नहीं बुनेंगे। हम जहाँ से भी फंदे उठा सकते हैं 29, लेकिन पहले हम इसमें भी एक मार्क डाल देंगे कि चाहे सेफ्टी पिन डाल दीजिए, ऐसे मार्क डाल के फिर आगे बुनेंगे कि हमें पता रहे कि हमारे 22 फंदे ऊपर वाले हैं। तो हम ऐसे भी बुन सकते हैं, ऐसे 29 फंदे उठाने हैं। और हम इस सिलाई से अगर आसानी से वहाँ ना बने तो इस सिलाई से भी उठा सकते हैं, जैसे ए ऐसे ऐसे। तो हम पूरे फंदे ऐसे उठा लेंगे, चाहे आप ऐसे उठा लीजिए जैसे आपको आसानी लगे। तो ऐसे ऐसे एक एक पीस लेना है। तो पूरे फंदे उठाकर हम आपको ये पूरे फंदे उठाकर दिखाते हैं। जी देखिए, ये हमारा मार्क आ गया है। अब हम जहाँ पे क्या करेंगे, इस मार्क को निकाल देंगे, निकाल दिया। अब हम ये वाला जो फंदा है, एक इधर वाला और एक इधर वाला, दोनों को हम ऐसे बुनेंगे, दो का एक करेंगे, दो का एक कर दिया। फिर आगे हम पूरे जहाँ पे फिर हम मार्क लगा लेंगे। जब दो का एक करेंगे तो मार्क साथ में ही रख लेंगे और आगे फिर हम बुनेंगे अगले नेक्स्ट वाले फंदे हम मार्क तक बुनेंगे, जो हमारा जे मार्क है ना, जहाँ तक हम सिंपल फंदे बुनेंगे। बुन के दिखाते हैं जहाँ से हम दूसरी सिलाई लगाएंगे, क्योंकि जहाँ से फिर वही सिलाई थी थर्ड, तो हम जहाँ से सिलाई भी चेंज करेंगे और आगे आकर हम फंदे घटाएंगे। ये हमारा हाफ है, तो हम जहाँ पे अब मार्क को निकाल लेंगे, ऐसे मार्क को निकाल दिया। अब हम जो ये फंदा था हमारा बुना, इसको और इसको मार्क के दोनों साइड वाले फंदे हम दो का एक करेंगे, दो का एक किया, साथ के साथ हमने मार्क लगा दिया, क्योंकि यहीं पर आके फिर हमने दो का एक करना है ऐसे। तो बस ऐसे हमने सारी पूरी सिलाई बनानी है। रॉन्ग साइड पे हमने कुछ नहीं करना है, रॉन्ग साइड हमारी पूरी रॉन्ग ही आएगी, उसमें घटाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस सीधा बुनना है, लेकिन मार्क को साथ में ऐसे ही रखना है। तो हम हर सीधी सिलाई में 3 बार घटाएंगे, सिर्फ 3 बार। 3 बार के बाद हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे, एज इट बुनेंगे जितनी हमें जे लंबाई चाहिए। जब हमारी 3 लाइनें रह जाएंगी, 1 2 3, तब हम जहाँ आके एक एक फंदा और घटाएंगे। तो 3 फंदे जहाँ घट गए, 3 6 फंदे 6 फंदे, और 3 3 जहाँ पे घटेंगे तो 12 फंदे, हमारे 12 फंदे लेस हो जाएंगे। ये हमारे टोटल 110 फंदे हैं, 110 110 फंदे हैं हमारे। तो इनमें से हम वो वाले फंदे लेस कर देंगे, बाकी फंदों को फिर हम
पूरे जितने बचेंगे उसको हम डबल करके बाइंड कर देंगे, बस इतना ही है। तो हम सीधी सिलाई ए वाली भी बना लेते हैं, उल्टी भी सीधी बना के फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, रॉन्ग साइड जब हम बुनते हैं तब भी हमने इस मार्क को साथ में ही रखना है, फिर आगे बुनना है ऐसे। ये हमारी रॉन्ग साइड है, तो रॉन्ग साइड से हमने ऐसे ही मार्क उतार के रखना है। अब नेक्स्ट सीधी सिलाई में हम आपको बताएंगे। ये देखिए, एक सिलाई पे तो हमने सीधी उल्टी बुनी थी, तो नहीं कोई ना घटाया ना बढ़ाया, एक दो तीन, तीन सिलाइयों सीधी सिलाई में हमने जहाँ से दो दो का एक किया है, जहाँ पे मार्क लगाया है, ये तो हमारा हाफ है, जहाँ मार्क है जहाँ, तो हमने दो दो का एक किया था। अब हमने कोई फंदा नहीं घटाना है और मार्क उतार देना है। मार्क उतार दिया, हमारी कटाई ये होगी है। अब हमने कोई फंदा नहीं घटाना है, तो उस दूसरा मार्क भी हम उतार देंगे बुनते हुए। ये देखिए, ये हमारा हाफ है ऐसे, तो ऐसे हमारी कटाई होगी। अब हमने ये वाला मार्क भी उतार देना है, और सिलाई जो हमने तीन सिलाइयों से बुना है तो तीन सिलाइयां हम लगा कर ही रखेंगे ऐसे। अब हम ये वाला मार्क भी उतार देंगे, उतार दिया। अब हमने प्लेन ही बुनना है सीधा, पूरी सिलाइयां सीधी सीधी बुननी है, लेकिन हमने कितनी लाइनें बुननी है वो आपको बता देते हैं। हमने इसकी टोटल लाइनें उल्टी बुननी है, सीधी सीधी बुननी है, उल्टी लाइनें आए 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 13, 13 सिलाइयां उल्टी सीधी सीधी बनाकर उल्टी लाइनें जो है हमारी 13 आनी चाहिए, 26 सिलाइयां। तो जब हमारी 10 ये लाइनें हो जाएंगी, तो हम जहाँ से जब हमारी ये 10 लाइनें हो जाएंगी, 2, 4 हुई हैं, 10 लाइनें होएंगी, तो हम जहाँ से ए दो का एक करेंगे और जहाँ भी दो का एक, जहाँ दो का एक, जहाँ दो का एक, तीन बार जहाँ करेंगे दो का एक, तीन बार जहाँ, तो हमारे फंदे जहाँ भी थोड़े कम हो जाएंगे, एडी की शेप आ जाएगी, जे वाली एडी की शेप बनेगी तो अच्छी लगेगी। तो ऐसे हमने बनानी है। पहले हम वैसे 10 सिलाइयाँ आपको 10 लाइनें 20 सिलाइयाँ बनाकर दिखाते हैं। जे हमारी 4 हो गई हैं, 4, और हम 6 बनाएंगे। ये देखिए, हमारी 10 लाइनें बन गई हैं, 2, 4, 6, 8 और 10। अब हमारी 3 लाइनें और बनेंगी, तो उससे पहले हमने दो का एक करना है, चाहे आप ऐसे कर दीजिए, चाहे जैसे आपका दिल चाहे, दो का एक करना है और पूरी सिलाई सीधी बुननी है। फिर हमने, हम इसी में बता देते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, दो का एक किया, फिर दो का एक इधर से किया, फिर दो का एक इधर से किया, दो का एक इधर से, फिर 3 बार करना है और हमारी पूरी 13 लाइनें बन जाएंगी। ये 30 लाइनें बन जाएंगी, और 3 बार इधर से दो का एक करना है, 3 बार उधर से, फिर हमने बाइंड करना है। ये देखिए, हमने 13 लाइनें बुन ली है इसकी, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 13, जो हमने 13 सिलाई बुनी है उसकी लाइन भी इधर ही दिख रही है इस लास्ट वाली सिलाई में। तो इसी से हम अब बंद करेंगे, फंदों को हाफ हाफ कर लेंगे, हमने हाफ हाफ फंदे कर, जितने भी बचे थे ना हमारे फंदे, क्योंकि हमने जहाँ लास्ट में 3 बार कम किया है, 1 बार 2 बार और 3 बार, और इधर भी 6 फंदे हमारे ये कम हो गए हैं, 3 इधर 3 इधर। अब हमने इसको बंद करना है, तो हमारा थ्रेड कहाँ है, इस साइड है, इस साइड हम बुन के आए हैं, तो ये थ्रेड है। अब इस सिलाई का मुंह इधर है, ये फंदे हम उतारेंगे, इसका इधर है, जैसे ही हम ऐसे बुन के गए थे तो हमने हाफ हाफ फंदे किए हैं, तो इस सिलाई का मुंह भी हम इधर करेंगे। चाहे तो आप सिलाई से फंदे उतार लीजिए ऐसे, तो इधर मुंह कर लीजिए, चाहे आप वैसे उतार के सिलाई में पकड़ लीजिए, तो इसका मुंह भी इधर ही आना चाहिए थ्रेड की तरफ।
तो हम ऐसे फंदे उतार कर भी ले लेते हैं कई बार। जिनको प्रैक्टिस है वो ऐसे आराम से भी ले सकते हैं फंदे, जिनको प्रैक्टिस नहीं है वो सिलाई से उतार ले और इधर को सारे फंदे कर लें। हम इधर को सारे फंदे करके बताते हैं। ये देखिए हमने इधर को कर लिए हैं, अब हम इनको बाइंड करेंगे ऐसे। ये देखिए ऐसे बनेगी ये उल्टी साइड है। उल्टी साइड से अब हम इसको बाइंड करेंगे कैसे, एक फंदा हम जे वाला इधर से लेंगे और एक फंदा इधर से। दोनों फंदों को हम बुनेंगे, बुनने के बाद इसको इधर रखेंगे, एक बार और बुनेंगे। दोनों फंदों को बुना, एक उधर वाला को इसको इसके ऊपर से उतार दिया। ना ज़्यादा लूज उतारना है ना ही ज़्यादा टाइट, सिंपल सा आराम से ऐसे आराम से उतारते जाइए। चेन भी बनती जाएगी और ये बनना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे। तो इसको हम बाइंड करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने बाइंड कर दिया है। अब हम ये पूरा, ये देखिए ऐसे सिलाई आई है और जहाँ एंड होगा इसका तभी ये सिलाइयाँ जो हमारी है वो अच्छे से दिखेगी। सिलाई दिखेगी ही नहीं कि कहाँ से सिला है। जब ऐसे बन जाता है तो पूरी सिलाइयाँ आपस में ऐसे इकट्ठी इकट्ठी लगती हैं कि अभी बहुत सुंदर सा बना है। ये देखिए ये जो हमने आगे से गटाई डाली थी उसकी शेप ऐसे आएगी ये। और जहाँ से तो जब पैर में इसको पहनते हैं ऐसे करके तो सुंदर सी शेप आती है। अब जो जे हमारा बचा है साइड, जो हमने देखो गटाई डाली थी, एक एक करके वो एड़ी की शेप आ जाएगी। जब हम इसको और इसको हम मैरून कलर से सिलाई करेंगे और इसको हम इसी कलर से सिलाई करेंगे जैसे हमने इसमें सिलाई की है ऐसे। सिलाई करके फिर इसको फोल्ड भी कर सकते हैं और बूट को ऐसे सीधा भी रख सकते हैं। इतनी सिलाई मैरून से करनी है। बाकी ये दोनों पैर बनकर अब रेडी हैं बिल्कुल। और ये 9 नंबर का पैर है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ प्लीज़, और हमें कमेंट्स भी कीजिए। हम आपके कमेंट्स के इंतज़ार में रहेंगे। और आपको कैसा लगा है ये भी आपने हमें कमेंट करके बताना है। तो थैंक यू आपका, आपने हमें वॉच किया। अब हम इससे जो नेक्स्ट वीडियो है ये जेंट्स के लिए है और बड़े बड़ों के लिए है। अब हम बहुत से छोटे से बेबी की सॉक्स बनाएंगे, बूट बनाएंगे बिल्कुल छोटे बेबी का, 6 मंथ के बेबी का, क्योंकि हमें बहुत फरमाइश आ रही है कि 6 मंथ के बेबी का आप सॉक्स या बूट बनाना बताएं, तो वो हम आपको अब बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।